बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंच के अंदर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और यात्रा का आज पहला जत्था जिसने बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन किए। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ बताएंगे कि कल पहला जत्था 751 लोगों का पुंछ में पहुंचा। पुंछ बेस कैंप में रुकने के बाद उनका वेलकम किया गया तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, DIG रजौरी पुंछ रेंज और SSP पुंछ समेत जितने भी सामाजिक, सियासी या फिर सोशल एक्टिविस्ट जितने भी लोग हैं उन्होंने यात्रा का वेलकम किया। देशभर से आए यात्रियों को हार्दिक अभिनंदन किया और उनके जलपान के बाद उन्हें विश्राम के लिए पुंछ के अंदर जितने भी लोकेशंस उनके रहने के बंदोबस्त किए गए हैं वहां पर रुकवाने के बाद सुबह 5 बजे यात्रा का पहला जत्था लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जो कि राजपुरा मंडी में स्थित है वहां पर पहुंचा। वहां के इलाके के सभी धर्मों के लोगों ने भी उस यात्रा के पहले दर्शनों के जत्थे का वेलकम किया। वेलकम करने के बाद बाबा के दर्शनों की जो है वो कतारें लगना शुरू होगी। जितने देशभर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन किए वहां पर जो है वो जल अभिषेक करके अपने आप को जो है वो अपने अपनी आस्था के प्रति भगवान के चरणों में जो है वो अपना शीश नतमस्तक किया। उसके बाद जो है यात्रा ने वहाँ पर ब्रेकफास्ट उनके सभी जलपान करने के बाद वापस जम्मू के लिए रवाना किया गया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला दिन था और हमारी कोशिश है कि यात्रा को लेकर पल पल का आपको अपडेट दिया जाए। हम ये भी कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो से भी आपको बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के पूरे इतिहास पूरा हम दर्शन करवाएंगे। और इसके साथ ये एक विशेष जो कि आज दूसरा जत्था भगवती नगर से रवाना हुआ जिसमें यह बताया जा रहा है कि देश भर से आए हुए श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए निकले हैं। हालांकि सिक्योरिटी के काफ़ी पुख्ता बंदोबस्त हैं, टाइट सिक्योरिटी के बीच में जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं। और मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आपसे ये आग्रह करते हैं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर हम आपके साथ अपडेट साझा करते रहेंगे और आप भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जाएं, क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ जी जिस जगह पर लोकेटेड ये जो प्राचीन मंदिर है उसके आसपास पूरा बॉर्डर का इलाका है। और श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। जो कि आप देख रहे हैं आज जो है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी ने पहला यात्रा का जो जत्था पहुँच चुका है। यहाँ यात्रा जो है हर साल पूरे साल चलती है और ये जो सावन के जो पवित्र 10 दिन होते हैं लास्ट वाले जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जो यहाँ का ट्रस्ट है वो यात्रा चलाता है। बजरंग दल विश्व हिंदू विश्व मिलकर सब यात्रा चलाते हैं। वो ये यात्रा जो है यहाँ पर बहुत जोश से आ रही है, बटड़ के आ रही है। यहाँ जो है बिल्कुल शांति है, पीसफुल है। आप सब आइए और यात्रा कीजिए और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी से अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। देखिए पहली बात तो ये है कि जो जिस प्रकार से शांति अमन चैन का जो यहाँ के जनता ने जो यहाँ की पब्लिक है उन्होंने जो दिया है वो संदेश काफ़ी काबिल तारीफ है। और यहाँ की जो फौज है उनका भी बहुत शानदार सपोर्ट रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये पहला जत्था जो ये यहाँ पर बूढ़ा अमरनाथ के लिए आया हुआ है तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में भक्तजन जो भोले के भक्त है वो आए हुए हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से जो हम जम्मू से चलकर जिस प्रकार से पहाड़ी इलाके से जैसे कि आए हुए हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा है। और जिसके बाद में यहाँ पर भी जब वहाँ से हम पुंछ से जब निकले हैं तो जगह जगह पर यहाँ पर स्वागत का वो लगा रहा है। जिसके बाद में हम यहाँ पर पुंछ से आने के बाद बाबा के दरबार में हम लाइन लगाकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा है और चैन अमन की जो है वो बना रहे हमेशा। जय हिंद जय भारत। मैं कृष्णकांत गावंडे, यात्रा प्रमुख। हम मध्य भारत मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और यहाँ पर इस भूमि पर जब हमने यहाँ पहुँचे उसके बाद से जिस प्रकार का देश में भय का वातावरण तैयार किया गया है उस प्रकार का किसी प्रकार का कोई भय का माहौल नहीं है। आप यहाँ पर सेना प्रशासन और स्थानीय लोगों के द्वारा जो सहयोग किया गया यात्रा में, जो स्वागत किया गया वो सराहनीय है। मैं पूरे भारतवर्ष में यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का विरोधियों के द्वारा एक भय का माहौल देश के अंदर फैलाया जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, भय का माहौल है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का भय का माहौल नहीं है। क्योंकि प्रशासनिक प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सेना और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाता है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं
कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर होने के बाद में भी वो अपने देश से प्रेम करते हैं, इसलिए यह क्षेत्र सुरक्षित है। और जो लोग किसी प्रकार षड्यंत्र के कारण बोलते होंगे कि वहाँ भय का माहौल, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वह भी एक बार बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करें। यह यात्रा 14-15 अगस्त तक चलने वाली है। यह यात्रा प्रतिवर्ष होती है। आज तक कुछ छुटमुट घटनाओं को छोड़कर के इस यात्रा पर किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के, हाँ, यह हमारे विदेशी जो देश है उनका एक प्रकार का षड्यंत्र है कि इस देश के अंदर भय का माहौल व्याप्त हो और यहाँ जो रहने वाले स्थानीय नागरिक हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति जो रहता है, भारत का नागरिक है, वह उन लोगों को तोड़े किसी जात समाज के नाम पर, तो एक प्रकार से यह गलत है। मैं तो सभी से निवेदन करूँगा कि आइए चट्टानी बाबा बूढ़ा अमरनाथ का दर्शन कीजिए। यहाँ के स्थानीय लोगों का, प्रशासन का, सेना का एक आपके प्रति जो सहयोगात्मक रवैया है वो देखिए। और बाबा, कहा जाता है कि जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं, जिन्होंने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए हैं, उनको बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के बिना उसकी यात्रा जो है वो संपूर्ण और सफल नहीं मानी जाती। तो ये थी आज के जो पहले जत्थे ने वहाँ पर बाबा के दर्शन किए, भजन कीर्तन के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत वेलकम हुआ। और हम यही आशा करते हैं कि बाबा भोलेनाथ अपने इस सावन के महीने में सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, और ये भी कामना करते हैं कि इलाके की तरक्की, देश की खुशहाली, देश की बहाली के लिए बाबा हमेशा उनका जो है वो उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रहें।